तारों की तरह उसने आवेश से देखा, साहसी सफर की तमन्ना रखते हुए। एक रात एक चमकीला पोर्टल दिखाई दिया। दोस्त अभी भी आपने जो वीडियो क्लिप देखी उसमें ना तो मैंने अपना फेस दिखाया और ना ही मैंने अपनी वॉइस ऐड की है। सिंपली मैंने चैट जीपीटी को ओपन किया और वहाँ से मैंने एक स्टोरी लिखवाई चैट जीपीटी से और उस स्टोरी को कॉपी करके मैंने एक वेबसाइट है जिस पर जाकर पेस्ट कर दिया और उस वेबसाइट ने मुझे ये वीडियो बनाकर दे दी। अब मैं इस वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड कर सकता हूँ, नहीं तो मैं किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पर इसको अपलोड कर सकता हूँ और ना तो मुझे कोई कॉपीराइट क्लेम आएगा और ना ही मुझे कोई कॉपीराइट स्ट्राइक देगा। तो अगर दोस्तों अगर आप भी ऐसी वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें आपको ना तो अपनी वॉइस ऐड करने की जरूरत हो और ना ही आपको अपना फेस दिखाने की जरूरत हो, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी वीडियो क्रिएट करना बताऊंगा कि किस तरह से आप ऐसी वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल की मदद से बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो दोस्तों ऐसी वीडियो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और मैंने उस वेबसाइट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको वेबसाइट समझ में नहीं आए तो आप उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। वीडियो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले जाना है आपको गूगल पर। गूगल पर जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी को आपको सर्च करने के बाद यहाँ पर देखिए चैट जीपीटी की वेबसाइट है, इसको ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको साइन इन कर लेना है। पहले अपनी गूगल आईडी से यहाँ पर आपको साइन इन कर लेना है। मैंने पहले से साइन इन कर रखा है तो मेरा इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर ओपन हो चुका है। जब आप साइन इन कर लेंगे तो आपके भी इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको इस तरह की एक कोई इस तरह का सर्च बार मिलेगा। यहाँ पर आपको लिखा होगा सेंड ए मैसेज। अब यहाँ पर आपको जिस तरह की स्टोरी चाहिए उसका आपको यहाँ पर इसको कमांड देनी होगी। तो जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए शॉर्ट स्टोरी इन, मैं जैसे लिख देता हूँ 50 वर्ड्स इन हिंदी। तो मैं इसको यहाँ से कमांड दे देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर इसको कमांड दी तो इसने 50 वर्ड्स की यहाँ पर हिंदी में एक स्टोरी यहाँ पर बनाकर दे दी। अब मैं इसको यहाँ से सिंपली कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको आ जाना है बैक। बैक आने के बाद आपको फिर से गूगल पर जाना है और यहाँ पर आपको अब की बार सर्च करना है फ्लिकी AI, लिखना है FILIKI फ्लिकी AI की ये वाली वेबसाइट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। देखिए इसका लोगो यहाँ पर इस तरह का दिखा होगा तो उसको आपको सिंपली यहाँ पर ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर भी आपको साइन इन का ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन मिल रहा है, तो आपको साइन इन लॉगिन यहाँ पर कर लेना है अपनी गूगल आईडी से। उसके बाद स्टार्ट फॉर फ्री पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप स्टार्ट फॉर फ्री पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए मैंने से पहले से वर्क कर रखा है तो मेरा यहाँ पर इस तरह से आ रहा है। तो मैंने ये वाली वीडियो यहाँ पर बना रखी है तो मेरा यहाँ से पहले से आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिल रहा होगा आपको न्यू फाइल का, तो न्यू फाइल पर आपको क्लिक करना है। फाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर आपको इंग्लिश वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर देखिए आपको कर लेना है हिंदी। हिंदी के बाद यहाँ पर आपको देखिए इंडिया यहाँ पर कर लेना है। उसके बाद आपको फाइल का नाम दे देना है, जैसे मैं यहाँ पर कुछ भी दे देता हूँ। यहाँ पर देखिए स्टोरी वीडियो, यहाँ पर देखिए स्टोरी वीडियो मैं यहाँ पर दे देता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑडियो ओनली और वीडियो। अगर आप ऑडियो ओनली पे करेंगे तो ये बस आपके टेक्स्ट को यहाँ पर वॉइस में कन्वर्ट करेगा, वीडियो नहीं बनाएगा। लेकिन आपको वीडियो पर सिलेक्ट करना है, उसके बाद सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो प्रोसेसिंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। जैसे आप प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाए तो यहाँ पर देखिए इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर लिखा होगा सिलेक्ट ए लेयर टू मार्क कस्टमाइजेशन, तो इस पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर क्लिक करना है। देखिए आप यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ है सिलेक्ट ए लेयर टू कस्टमाइजेशन, तो इसको आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पर लिखना है स्टार्ट राइटिंग। तो यहाँ पर आपने जो पेस्ट कॉपी किया था वहाँ से उसको पेस्ट कर, इस तरह से यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब पेस्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा होगा लेआउट का, तो लेआउट वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपकी पूरी इमेज यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी। यहाँ पर देखिए वीडियो ले सकते हैं आप, इमेज ले सकते हैं आप, GIF ले सकते हैं, तो आप यहाँ पर इस तरह से कोई सी भी एक इमेज ले सकते हैं। जैसे आप इस इमेज को यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर देखिए ये वाली वीडियो यहाँ पर इस तरह से आ चुकी है। उसके बाद यहाँ पर जैसे आप इसको लेंगे तो उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर वो वीडियो आएगी। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए आपको इसको क्रॉस कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा लेआउट का। देखिए आपको यहाँ पर लेआउट के पास में यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है ऑटो पिक का, तो ऑटो पिक पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपकी स्टोरी के हिसाब से यहाँ पर एक इमेज यहाँ पर ले आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर चूज ए फाइल पर आपको यहाँ पर एक चूज ए फाइल का ऑप्शन मिलेगा बैकग्राउंड ऑडियो का, तो इसको आपको ऐसे कैसे रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर स्वरा का ऑप्शन मिलेगा, अगर आप यहाँ से वॉइस चेंज करना चाहते हैं तो वॉइस भी आप यहाँ से चेंज
कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर दो फोटोज़ भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं कुछ इस तरह से। जैसे आप यहाँ पर देखिए लेआउट में आप इस पर टैप करेंगे, पहले तो ये वाला आता है देखिए सिंगल, सिंगल में आपके सिंगल आ रही है। उसके बाद देखिए यहाँ पर डबल में आप जैसे करेंगे तो यहाँ पर डबल आ जाएगी। तो यहाँ डबल में आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आप कोई सी भी इमेज आप यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाली इमेज यहाँ पर लेनी है आपको, तो देखिए यहाँ पर आपकी ये वाली इमेज भी इस साइड में आ जाएगी। देखिए इस तरह से ये इमेज यहाँ से आ चुकी है। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए तीन भी ले सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप तीन इस तरह की भी ले सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक छोटी एक बड़ी भी ले सकते हैं आप। ये देखिए इस तरह से एक छोटी एक बड़ी भी आप इमेज यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर चलाकर भी आप देख सकते हैं। ये वाले देखिए यहाँ पर ये जैसे ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप जैसे प्ले करेंगे तो आपकी स्टोरी वीडियो यहाँ पर चलना स्टार्ट हो जाएगी। देखिए उस घर में फिर हंसीन जाक वापस आया। दादी नानी की कहानियों ने नई पीढ़ी को पुरानी यादें सुनाई। तो देखिए आपकी स्टोरी पूरी यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद देखिए अगर आप सेकंड पार्ट भी क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिलता है प्ले का, प्लस का। तो जैसे आप प्लस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको फिर से आपको एक इंटरफेस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर सेकंड पार्ट आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं अपनी स्टोरी लिखवाकर। उसके बाद यहाँ पर लेआउट का ऑप्शन मिल रहा है, लेआउट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए लेआउट से आप यहाँ पर कोई सी पिक्चर्स यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर पिक्चर लेने के बाद यहाँ पर देखिए ऑटो पिक का ये ऑप्शन आ रहा है। देखिए ऑटो पिक में स्टोरी को वापस से इस पर ही पेस्ट कर देता हूँ, जो स्टोरी मैंने वहाँ से कॉपी की थी उसी स्टोरी को यहाँ पर पेस्ट कर दिया मैंने। उसके बाद देखिए यहाँ पर ऑटो पिक का ऑप्शन आ रहा है, तो ऑटो पिक पर जैसे क्लिक करता हूँ तो इस स्टोरी के हिसाब से फिर से एक फ़ोटो यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। देखिए इस स्टोरी के हिसाब से ये वाली फ़ोटो यहाँ से जनरेट हो चुकी है। पहले ये वाली फ़ोटो जनरेट हुई थी, अब ये वाली फ़ोटो यहाँ पर जनरेट हो चुकी है। तो हर बार यहाँ पर नई नई फ़ोटो जनरेट हो जाएगी। जो भी फ़ोटो आपको अच्छी लगे उसको यहाँ पर ले लेना है। उसके बाद देखिए अगर आपको सेकेंड पार्ट चाहिए तो चैट जीपीटी से आपको एक स्टोरी और लिखवानी है, उसको पेस्ट यहाँ पर लाकर कर देना है, इस जगह उसको पेस्ट कर देना है। तो ये सेकंड पार्ट हो जाएगा, यानी कि सीन टू हो जाएगा। ये आपका सीन वन है, ये सीन वन है और ये सीन टू आ गया है। उसके बाद अगर आपको और चाहिए तो इस प्लस वाले आइकन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक और सीन नीचे आ जाएगा। देखिए सीन थ्री आ चुका है। तो इस तरह से आप यहाँ पर बना सकते हैं। उसके बाद देखिए इसको डाउनलोड कैसे करना है, तो डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है। इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो स्टार्ट एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप स्टार्ट एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी हाई रेजोल्यूशन वाली वीडियो आपकी गैलरी में सेव होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आप यहाँ पर ऐसी वीडियो क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। आपको सिंपली चैट जीपीटी को ओपन करना है, वहाँ से एक स्टोरी लिखवानी है चैट जीपीटी से, उस स्टोरी को वहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देना है। कुछ भी नहीं करना, बस कॉपी पेस्ट वाली वीडियो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। इसको आप डाउनलोड करके अपने चैनल पर अपलोड कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। सो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे एक नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।